क्या आपको पता है पृथ्वी के अंदर कितना सोना छुपा हुआ है? और क्या आपने दुनिया की सबसे लंबी साइकिल देखी है? और क्या आपने कभी ब्लैक एप्पल देखे हैं? और हवा में तैरने वाले इतने वजनदार बादल कभी नीचे क्यों नहीं गिरते? और हॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ने खुद का मर्डर करने के लिए किसी और को सुपारी दी थी? और जो स्टॉप की साइन होती है वो सर्कल या स्क्वायर के शेप में क्यों नहीं होती? इस वीडियो में आप ऐसा फैक्ट जानोगे कि आपकी जीके पावर बूस्ट हो जाएगी। नंबर वन, अगर किसी झूठ बोलने वाले को पकड़ना हो तो बात करते समय उस पर ध्यान ना दे कि वो क्या कहता है, लेकिन आप उस पर ध्यान दे कि सामने वाला जवाब कैसे देता है। देखो, जो सही बोलने वाला इंसान होता है वो डिटेल में आंसर देगा। जितना आप डिटेल में पूछेंगे वो उतना ही डिटेल में ही बताएगा, मतलब विस्तार से जवाब देगा। और झूठा आदमी एक ही जवाब बार बार रिपीट करके देगा, मतलब झूठा आदमी विस्तार से जवाब नहीं दे पाएगा। नंबर टू, क्या आपको पता है गिरगिट बार बार अपना कलर चेंज कर सकता है? जैसे उसका मूड चेंज होता है वैसे उसका कलर भी चेंज होता है। अगर गिरगिट शांत है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, और अगर गिरगिट एंग्री है, गुस्से में है, तो येलो कलर का हो जाता है। अगर वो बहुत खुश है तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। नंबर थ्री, समुद्र में रहने वाला एक जीव है जिसका नाम जायंट स्क्विड है। उसकी आंखें दुनिया में रहने वाला सभी प्राणियों से बड़ी होती है। उसकी आंखें 11 इंच तक होती है। नंबर फोर, क्या आपने कभी ब्लैक एप्पल देखा है? ये भी एग्जिस्ट करते हैं। इस एप्पल को तिब्बत में और भूटान की पहाड़ियों पर उगाया जाता है। इसकी कीमत केजी में नहीं बल्कि सिर्फ एक एप्पल की प्राइस 500 रुपए है, और इस एप्पल का नाम ब्लैक डायमंड है। नंबर फाइव, क्या आपको पता है पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लंबी आयु जीने वाला कौन है? ग्रीनलैंड शार्क, जिसको ग्रे शार्क से भी जाना जाता है। इनकी आयु 400 से 500 साल तक होती है, और ये शार्क 150 साल के बाद तो मैच्योर होती है, जैसे इंसान 18 साल के बाद मैच्योर होता है। नंबर सिक्स, क्या आपने दुनिया की सबसे लंबी साइकिल देखी है? ये है दुनिया की सबसे लंबी साइकिल, 135 फुट और 10 इंच लंबी साइकिल। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि इसको चलाया भी जा सकता है। इस साइकिल को 100 मीटर तक चला के वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया था। नंबर सेवन, हवा में तैरने वाले बादल हमें बहुत हल्के लगते हैं, लेकिन एक बादल का वजन कम से कम 551 टन भारी होता है। इतना भारी होने के बावजूद भी वो हवा में तैरता है, क्योंकि उनकी नीचे की जो हवा होती है वो उनसे भी ज्यादा भारी होती है, इसलिए वो कभी गिरते नहीं और हवा में तैरते रहते हैं। नंबर एट, दुनिया का सबसे महंगा हॉट डॉग कितने का होगा? जनरली हॉट डॉग 50 या 100 रुपए का होता है। वेशिंगटन के टोक्यो डॉग फूड ट्रक में दुनिया का सबसे महंगा हॉट डॉग बेचा जाता है, जिसकी कॉस्ट $169 है। अगर उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करे तो कम से कम 30,000 रुपए होते है। एक छोटा सा ट्रक वाला 30,000 रुपए का हॉट डॉग बेच रहा है। नंबर नाइन, टाइटेनिक 1911 में डूब गए, आज उसे 100 साल से भी ज्यादा समय हो गया, तो उनके सभी पार्ट्स पानी में ही सड़ गए और खत्म हो गए, लेकिन टाइटेनिक के अंदर एक स्विमिंग पूल था, वो आज भी वैसा का वैसा पानी का भरा हुआ है। नंबर टेन, एक स्टॉप की साइन में 8 अलग अलग साइडें होती है, बल्कि बाकी सारे साइन जैसे सर्कल स्क्वायर में होते हैं, लेकिन स्टॉप साइन यूनिक और डिफरेंट है। नाइट के समय में ड्राइवर को एक सर्कल शेप या स्क्वायर शेप जल्दी से दिखता नहीं, इसीलिए स्टॉप साइन को 8 अलग अलग साइडें देके डिफरेंट बना दिया, ताकि किसी का भी ध्यान उस पर तुरंत पड़ जाए। नंबर 11, क्या आपको पता है अगर फ्रिज में हम दोनों पानी रख देंगे, एक ठंडा और एक गर्म, तो गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जम जाता है। नंबर 12, एक कप कॉफी हमें लंबे समय तक जगाने में मदद रूप होता है, क्योंकि उसमें कैफीन होता है, लेकिन अगर हम एक एप्पल खा ले तो वो उनसे भी बेहतर जगा सकता है, क्योंकि एप्पल एंटीऑक्सीडेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स के साथ जगाता है। एक कप कॉफी के मुकाबले एप्पल अच्छा है, क्योंकि वो बिना जटरों से जगाता है और कॉफी जबरदस्ती जगाती है। नंबर 13, चॉकलेट साइंटिफिकली प्रूव है कि चॉकलेट खाने से स्ट्रेस दूर हो जाता है, चॉकलेट से ब्रेन पैटर्न और मूड इम्प्रूव हो जाता है।
इसमें ट्रिप्टोफेन और एमिनो एसिड जो ब्रेन को सीरोटोनिन प्रोड्यूस करने में मदद करता है, और फेनिलथेलामिन एड्रेनालाइन जो लव केमिकल को डब करता है। इससे प्यार में पड़ने की उत्तेजना बढ़ सकती है, और थियोब्रोमाइन स्ट्रेस को कम करके माइंड को रिलैक्स करता है। नंबर 14, हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ने एक दिन खुद को मारने के लिए किसी को सुपारी दी थी। 2001 में उसने इंटरव्यूअर को बताया कि मैं सुसाइड करना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि सुसाइड कर लूंगी तो मेरी फैमिली के बारे में लोग गलत सोचेंगे, या फिर ऐसा सोचेंगे कि इनकी ही फैमिली ने इनको मार दिया, इसीलिए मैंने सुसाइड नहीं बल्कि खुद को मारने के लिए सुपारी दे दी। नंबर 15, जो ग्रैंड पेरेंट दादा दादी अपने पोते के साथ समय बिताते हैं, वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। बच्चे की देखभाल करना उन्हें फिजिकली और मेंटली एक्टिव रखता है, जिनसे उसका तनाव दूर हो जाता है, और बच्चों को माता पिता की भावना मिलती है, इसलिए वो बच्चे के लिए भी फायदेमंद साबित होता है। नंबर 16, आजकल जो फैशन है हाई हील सैंडल की, वो रियल में ना तो फैशन के लिए है और ना ही वुमन के लिए। 10वीं शताब्दी में यूरोप के पुरुष जो घुड़सवारी करते थे, तब वो हाई हील के जूते पहनते थे, क्योंकि वो घोड़े के स्ट्रिंप में आसानी से फिट हो जाए और सवारी के दौरान जूते इधर उधर ना फिसल जाए, इसलिए उपयोग करते थे। उसके बाद उस हाई हील को फैशन में कन्वर्ट कर दिया। नंबर 17, एक चूहा है जिसका नाम कांगारू माउस है। ऑस्ट्रेलियन नाम है, फिर भी ये नेवाड़ा रेगिस्तान में रहता है। ये अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी पानी नहीं पीता, क्योंकि ये ड्राई एरिया में रहता है और उनका शरीर ही उनके खाए हुए भोजन से ही उनको सभी प्रकार के हाइड्रेशन मिल जाते हैं, इसीलिए उसे पानी की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 18, साल 1815 वो पूरा साल बिना समर का था। उस साल में गर्मी का मौसम आया ही नहीं, बल्कि गर्मी के मौसम में बर्फ की बारिश होने लगी और कातिल ठंडी भी थी। ऐसा इसलिए हुआ था कि इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा में मानव इतिहास का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फटा था, जो 15 दिनों तक फटता रहा, और इस घटना ने पृथ्वी के वायुमंडल में अनगिनत धूल, राख और सल्फर डाइऑक्साइड को उड़ा दिया। राख के उस कंबल ने पूरी पृथ्वी को ढक दिया, जिसे सूर्य दिखा ही नहीं, और वो साल बिना समर का रहा। नंबर 19, क्या आपको पता है समुद्र के डीपेस्ट एरिया में रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स पाए गए, जिससे परमाणु बम बनते हैं। एक रिसर्च के अनुसार 1945 से 1963 तक 500 से भी ज्यादा परमाणु बम को अमेरिका ने विस्फोट किया था, जो आज भी उनके पार्टिकल्स पानी में दिख रहे हैं। नंबर 20 से पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नंबर 20, हमें पता है गोल्ड पृथ्वी के नीचे जमीन में है। अगर पृथ्वी के अंदर से पूरा गोल्ड निकाला जाए तो उससे पूरी पृथ्वी कवर हो जाएगी, और वो भी 200 इंच जितनी मोटी लेयर से। इतना गोल्ड और अन्य धातु पूरी पृथ्वी के अंदर है, जो पूरी पृथ्वी को कवर कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।